बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दी बहुत ज़्यादा है और जो लोग कराची में रहते हैं आपको आइडिया होगा कि हम कराची वालों के लिए ज़रा सी सर्दी भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैं बना रही थी अपने लिए कॉफ़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कॉफ़ी के साथ आप लोगों को भी शेयर किया जाए और मैं बताऊँ कि मैं अपने लिए कॉफ़ी किस तरह बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों को इन्जॉय कर रहे होंगे। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है और सबको आइडिया होगा कि जो लोग कराची से हैं हम कराची वालों को ज़रा से भी सर्दी जो वो बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो मैं बना रही थी अपने लिए कॉफ़ी, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर की जाए कि मैं अपने लिए कॉफ़ी किस तरह बनाती हूँ। जो कॉफ़ी मैं बना रही हूँ ये एक कप के लिए मैं बना रही हूँ, तो आप एक कप के लिहाज से ही इसके इंग्रेडिएंट बताऊँगी। जैसे एक कप के लिए एक चमचा कॉफ़ी, कॉफ़ी के अंदर आप अगर दो बना रहे हैं तो इसके लिहाज से है आप इसके इंग्रेडिएंट्स को डबल करते जाएं। और शुगर लेंगे 2 टेबल स्पून, यानी कि एक चमचा कॉफ़ी और 2 चमचे शुगर। इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम नीम गर्म पानी डालेंगे। बिल्कुल माइनर सा, और हम इसको फेंटते जाओ। इतना बीट करेंगे कि इसकी जो रंगत है वो चेंज हो जाए। आप ड्रामा टीवी देखने बैठ जाएं, म्यूज़िक सुनने बैठ करें, इतना बीट करें कि इसका कलर जो है वो इस तरह का लाइट ब्राउन कलर की हो जाए और क्रीमी पेस्ट हो जाए। कितनी प्यारी लग रही है ना, यमी। हम कॉफ़ी, सबसे पहले जो हमने कॉफ़ी बीट करी है, पेस्ट बनाया है, उसके 2 से 3 जो चमचे हैं वो आप कॉफ़ी के ले लीजिए। ठीक है जी, ये हो गया। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ गर्मा गर्म दूध। ठीक है जी, दूध डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कीजिए। और अगर चाहें तो थोड़ा सा पेस्ट और इसके ऊपर डाल लें। मैं तो इसी तरह डालती हूँ, मज़ा दोबारा हो जाता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपको डिज़ाइनिंग करनी आती है, तो आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ हो चुकी है मेरी कॉफ़ी रेडी। मैं इसको करने लगी हूँ एंजॉय, यमी सी। आप लोग भी सर्दी में इसको बनाइए, एंजॉय करिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। खैर, वीडियो बनानी दीजिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।